फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल कुक विद पूनम में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पम्पकिन के लादी पाव। तो चलिए इसी की रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ मैंने पम्पकिन लिया है, इसे मैंने कट करके धो के रेडी कर लिया और इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। पम्पकिन बॉयल हो चुका है, अब मैं इसे छन्नी से छान लूंगी। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। यहाँ मैंने बाउल में मैदा लिया है 200 ग्राम, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ईस्ट, 1 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। उसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पे पम्पकिन प्यूरी। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। इसमें ऐड करें पानी, इसे रेस्ट करने के लिए रख दीजिए 1/2 घंटे के लिए, 30 मिनट्स के लिए। 1/2 घंटा हो चुका है, अब इसे बाउल से निकाल देंगे। इसे आप हाथों से तब तक मले जब तक ये चिकना डो ना बन जाए। डो जो है वो चिकना हो गया है। इस तरह से आप टिन को रेडी कर ले मैदे से डस करके। डो को आप इस तरह से बीच से कट कर दे। इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है और इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे ढक के, या तब तक जब तक कि अपने साइज से डबल ना हो जाए। इसे मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था, आप देख सकते हैं कि ये अपने साइज से डबल हो गया है। इसके ऊपर मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है, आप चाहे तो दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे बेक करेंगे, तो मैं यहाँ कढ़ाई में बेक करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई में नमक डाल दिया है और उसके ऊपर इस तरह का कटोरी रख देंगे और इसके ऊपर ये जो हमारे पाव हैं इस तरह से रख देंगे। और मैंने यहाँ पर कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है, गरम कर लिया है, और इसे ढक के 15 मिनट के लिए बेक होने देंगे। और आप ध्यान रखें कि साइड से इसका गैस ना निकले, तो चारों तरफ से आप इसको सील कर दें। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए आप चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि पाव बन के रेडी हो गया है, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कि पाव कितने सॉफ्ट बने हैं, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। फ्रेंड्स, इसे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं एकदम मार्केट जैसे हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। जालीदार पाव बन के रेडी है मार्केट स्टाइल में। आप देख रहे हैं कितने आसान तरीकों से आप घर में बना सकते हैं इस तरह के पाव, और बच्चे को भी बेहद पसंद आएगा। ब्रेड में आप इस तरह का अगर जैम लगा के बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत ही खुश होंगे। और ये जैम होममेड है, ये मेरे घर का बनाया हुआ जाम है। इसकी रेसिपी मेरे ही चैनल के नेक्स्ट वीडियो में है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये पाव और ये जैम। तो इस तरह से बच्चों को खिलाएं, और अगर ये पाव की रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।